ये लात मार देगा क्या? हाँ नहीं हाला यार, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप देखते हो इसको? ये मालिक के कौन होगा इसका? अच्छा कुछ घर बन रहा है अंदर। अच्छा बस घर के लिए है ये? ये घर के लिए उसका पालतू है ये? हाँ वो ये फार्म हाउस है ना ये? अच्छा फार्म हाउस है। ठीक है अच्छा है, सब आते हैं, कल भी आए थे। अच्छा वो पीठ में क्या हो गया इसका? कौन सा उधर पीठ में कुछ नहीं, ये उधर उधर ये हाँ वो लेटने का समय मार लग गया। अच्छा थोड़ा लेटता है ना अभी, ये दौड़ता है ना, कोई दौड़ता भी है इसके ऊपर बैठता है? ठीक सब है अंदर है। अच्छा अभी इसको धोया इधर। अच्छा इसके अंदर कितने, बस एक ही है या दो तीन और भी है? और आने का है, वही बना रहे हैं। अच्छा अस्तबल बन रहा है? टेबल बन रहा है। बहुत खूबसूरत है सर। सुल्तान वो इधर आया है, नाम रखा है इसका, ओरिजिनल नाम है कंट्रीज ज्वेल। कंट्रीज ज्वेल इंग्लिश नाम है? कंट्रीज ज्वेल कंट्रीजिंग हो रहा है ज्वेल। अच्छा हां कंट्रीज ज्वेल। अच्छा तो उम्र कितना होगा? 7 ईयर्स ओल्ड। 7 ईयर्स, इतना जल्दी रिटायर? हाँ 8 ईयर्स में रिटायर्ड हो जाता है एक्चुअली। अच्छा इसका फुल लाइफ कितना होता होगा? 20 to 25। अच्छा कुत्ते से थोड़ा ज़्यादा होता है ये? पैर हाथ बचाने का बस। हाँ जी वंस पैर गिर फ्रैक्चर हो गया तो यू हैव टू पुट डाउन। ओके रेडी नहीं होता जैसा इंसान रेडी हो जाता है, घोड़ा नहीं रेडी होता। कोई तो मार भी देंगे ना इनको? वही मार देते लेकिन इसको मारा नहीं, इंजेक्ट मार दे, इंजेक्ट कर देता ना पैर हाथ टूटने से। हाँ जी क्यों, और रेडी नहीं हो सकता बाद में। लेकिन इसको नहीं मारा, इसको सिर्फ घर के लिए रखा हुआ, ये बच गया। बहुत पैर हाथ टूटने से बोल रहा हूँ, पैर हाथ टूटने से ड्रॉप करना पड़ता घोड़ा। अच्छा, रेडी नहीं होता वो कंपलसरी। कुछ अच्छा घोड़ा भी रहने दो, भी अच्छा है ना, अगर पैर फ्रैक्चर टूट गया तो क्या डैमेज।